بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني قولي This question is from Mr Yoginder Sikan How do you think the issue of Bethel المقدس can be solved सिंस बोथ जूज एंड मुस्लिम्स कंसिडर दैट साइट टू बी होली एंड देट इट बिलोंग्स टू देम देखिये मैंने वहाँ पर जो बात कही थी टन पॉइंट फार्मूला वो छपा हुआ है आप देख सकते हैं पहला काम यह है कि हम रियलिस्ट बने जब तक का रियलिस्टिक अप्रोच नहीं आएगा या मैसे सॉल्व नहीं होगा ये मसला सवाल होने वाला नहीं मैंने दो बातें कही थी एक तो ये कि बालफोर प्लान जो था बालफोर प्लान के तहत आप जानते हैं कि नाइनटीन फोर्टी एट में यहूदी जो बाहर थे उनको वहाँ पर बसने का लिमिटेड कोटा के तहत तो उनको आने का इजाज़त दी गई इस पर मुसलमान था दिनों खफा हो गए लड़ाई भड़ाई छेड़ दिया उन्होंने हम नहीं यहूदियों के आने नहीं देंगे दिस वॉज अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ द कुरान क्यों कुरान में देखिए सुरभ नंबर पाँच में फाइव ट्वेंटी वन में आप पढ़ लीजिए हतबूसा के ज़माने में जो यहूदी थे वहाँ चिल्ड्रेन ऑफ इजराल उनसे हदबूसा ने कहा कि या कौम थलू अल अल्लती अल्ली क़तब्लकुम यह शुर नंबर पाँच में है कि अल ए, ए मेरे लोगों लोगों से बात वही है बनी इसराइल तुम बैतुल यानी फलस्तीन में दाखिल हो जाओ जो खुदा ने तुम्हारे लिख दिया है यहाँ पर देखिए कातबल्लकुम इसका तो तर्जुमा सही है असाइन टू यू गॉड है असाइन टू यू असाइन लैंड लिखा हुआ है कुरान वेद में सेम बाइबल में है कि प्रामिस्ड लैंड बाइबल में फलस्तीन को यहूदियों के लिए प्रामिड लैंड बताया गया है वही कुरान में असाइन लैंड बताया गया है ये क्यों ये लॉ ऑफ डायस्पोरा है ये एनी कम्यूनिटी लिविंग इन डायस्पोरा अ नेचुरल राइट टू डाइसपोराज़ नेट्स औरिजिनल होम लैंड यह कुरान में भी है बाइबल में भी है तो मुसमान जब तक ये ना माने कि वो नाइनटीन फोर्टी एट में उन्होंने जो किया था वो गलती थी वो जो यहूदी डास्पोरा में थे वो वापस आए थे तो वो वापस आना उनका जायज़ था हमें राइट नहीं था कि उन्हें हम कहें कि तुम तो ढक समुद्र में फेंक देंगे नंबर वन ये इसको मैं रियलिज्म कह रहा हूँ नंबर दो ये है कि वारिस बशद अकसर मकसद बाशि अकसा क्या है ये बहुत बड़ी फलेसी है कि मस्जिद अक्सा मस्जिद है कुरान में जो है कि सुबहानली असरा मस्जिद अक्सा, लफ्ज़ मस्जिद यहाँ आज रखिए कि बतौर नाउन के नहीं है यहाँ है दूर की इबादत गाह के माने में है जिसे हम बोलते हैं काली मस्जिद और जाम मस्जिद इस माने में नहीं है वहाँ पर वो इस माने में है कि दूर की इबादत गाह वह आबादगाह किसके थे यहूदियों की थी वो आप हिस्ट्री को पढ़ लीजिए जहाँ आज मस्जिद अक्सा है वहाँ पर यहूदियों की आबादगाह थी जो किंग सलमान ने बनाया था जिसको हैकल कहा जाता था हैकल। वो क्या हुआ कि रसोल्ला से पहले वहाँ पर रोमियों ने हमला करके ढा दिया था तो उस वक्त खडर था वो यानी साइट साइट के तौर पर था वो रसोल्ला की बराज हुई थी वो वो साइट पर हुई थी बिल्डिंग नहीं थी वहाँ पर बिल्डिंग देखिए खुलाफा राजदी के जमाने में नहीं बनी जबकि कब्जा हुआ था मुसलमानों का वहाँ पर तब भी नहीं बनी थी हैतर के ज़माने में मुसलमानों ने कब्ज़ा किया फ़लस्तीन पर लेकिन बिल्डिंग नहीं बनाई थी उन्होंने बिल्डिंग बनी है अब्दुलमलिक्बरवान के ज़माने में जो कि बनबैया का खलीफा था वो बिल्डिंग चली आ रही है ये तो वैसा ही है कि यहूदियों की जगह पर कब्जा करके मुसलमान ने अपनी मस्जिद बना लिया जिसका दावा करते हैं बाबरी मस्जिद के बारे में हिंदू लोग कौन मुसलमान मानने को तैयार है इसको कि हम ही वहाँ पर ओक्यूपायर हैं हम ही ने वहाँ पर रिजर्व किया है तो मैं तो कहता हूँ कि मुसलमानों को अगर सचमुच खौफ है खुदा के सामने पेशी का तुम्हें तो कह देना चाहिए कि तुम्हारा हैकल है, है तो तुम इसको ले लो अगर किसी को शक हो तो हिस्ट्री को पढ़े मजद अक्सा के माने मजद अक्सा नहीं है दूर की आबादत गाह के माने में वो किसकी आबादगाह है यहूदियों के बाद गाह तो मैं तो समझता हूं कि यहूदी इस मामले हमारे साथ बहुत ही ज्यादा नरमी का सुरूक करें कि हमें मौका दिया है कि हम उसको मस्जिद अक्सा समझें वहां जाए वहां नमाज पढ़े मैं तीन बार गया हूं वहां मैंने जो अरबी अखबारों में जो पढ़ा था जो मैंने उर्दू अखबारों में पढ़ा था जो किताब पढ़ा था ये 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 मेरे माइंड में ये था कि वहाँ पर हर तरफ यहूदी फौजी खड़े हुए हैं गन लिए हुए मशीन गन लिए हुए अब तो मैंने घर में कहा गया था मैं घर में मेरी बीवी जिंदा थी उस वक्त देखो भाई वापस ना हो तो भुला देना मुझको क्योंकि वहाँ हो होता कि मुझे मार डालें सब लोग वहाँ गए तो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं वहाँ फौज पुलिस गेट बहुत बड़ा उसका वो है कैंपस तो गेट पर हम पहुंचे तो वहां पर एक एक ही यहूदी सोल्जर खड़ा हुआ था उसने सिर्फ एक सवाल किया वो अरबी बोल रहा था मुस्लिम हेलो तो मुस्लिम मर कहा मुस्लिम फजल हाँ। फजल तो हमारे भी दुआ कीजिए वहां जाकर अभी हम गए मिस्टर रजत बढ़ोत्रा का नाम रजत मल्होत्रा किसे रोका नहीं इनको वहाँ सिर्फ यहूदी को रोका जाता है हमारा जो गाइड था वो यहूदी था गाइड जो उन्होंने दिया था हमें बतौर गाइड की यहूदी उसने कहा कि मैं वहीं नहीं जा सकता मैं वहाँ जाऊँगा दो गाइड हमको दिए गए थे दो गाइड दोनों गाइड ने कहा कि जैसे कि हमें हमारे ऊपर रोक लगा हुआ है लेकिन मुस्लिम को इजाजत थी वहाँ जाने की नजत मल्होत्रा की इजाजत थी वहाँ जाने की ये एक एक लोग झूठ में जीते हैं झूठ में लोग झूठ में जीते हैं अपने आप एक बनाते हैं क्राइटेरियन और उसके लिहाज से किसी को अच्छा समझते हैं किसी को बुरा सोचते हैं मैं समझता हूँ कि यहूदी जब आए थे नाइनटीन फोर्टी एट में तो उनका आना बिल्कुल जायज़ था इसराइल को एक लेजिटिमेट स्टेट के तरफ को मानना था क्योंकि वो में थे डिजपोरा में था तो राइट था कि वो आए वहाँ पर बसें बश्ति अक्सा जो है अगर वो आपको दिए हुए हैं तो वो वो उनकी तरफ से वो है आपको खुश होना चाहिए और उनके दुआ करना चाहिए वह आपसे बश् अक्सा नहीं मांग रहे हैं, हालांकि मांग सकते हैं वो तो दूसरों के बारे में बुरी राय अपने बारे में अच्छी राय यह तीफ है तफीफ कुरान जीत ने आप पढ़ लिया तत्फीफ में कि दूसरों को बुरा समझना अपने को अच्छा समझना ये तस्फीफ है और तस्फीफ करने वालों के लिए खुदा उसे बहुत सख्त सजा का बताया गया है, कुरान कुरानी में तो मेरा एक ही कहना है रियलिस्टिक अप्रोच बछवाड़ों में खोया गया है जब तक आपने आपका अंदर रियलिस्टिक अप्रोच ना हो तब तक कोई भाई सॉल्व होने वाला नहीं कोई मसला सॉल्व होने वाला नहीं अब देखिए इन्होंने वहाँ पर कह दिया था सुसाइड बॉम्बिंग क्यों करते हैं आप लोग वो तो हराम है इस्लाम में एक फलस्तीनी औरत जो अंग्रेजी बोलती थी इनके पीछे पड़ गई तो वापस लीजिए वापस लीजिए वापस लीजिए क्यों कह दिया आप ले? उसको कहना चाहिए था कि भाई ये गलती कर रहे हैं हम लोग दुआ कीजिए हम गलती से बाहर आ जाए सुसाइड बॉम्बिंग करके अपने को हम हराम मौत मर रहे हैं उसने कुछ कहे नहीं इन्हीं को कहा कि तू वापस तुमने क्यों ऐसा कह दिया इन्हें सुसाइड बॉम्बिंग को बताइए कोई इसका कोई जस्टिफिकेशन है जो खुला हुआ हराम है तो जो लोग बहुत इमोशनल हो जाए सेंटिमेंटल हो जाए रियलिस्टिक अप्रोच डर है उनको कौन बात समझा सकते हैं आप कोई भी नहीं समझा सकते कुछ भी नहीं समझा सकते आप उसको तो पहली कंडीशन है रियलिस्टिक अप्रोच यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी एक ही बड़ा फार्मूला है या ये कश्मीर में कहा था या पाकिस्तान में नहीं कहा ये फलस्तीन में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी अदरवाइज नो सोल्यूशन मैं खुदा के फिर से बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच मेरा होता है किसी मामले चाहे फैमिली का मामला हो तब भी जो हकीकत है उसको बांधता हूँ मैं रियलिटी को मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो असल प्रॉब्लम यह है कि लोगों ने रियलिस्टिक अप्रोच खो दिया है ऑब्जेक्टिविटी खो दी है बस अपने इमोशंस को जानते हैं अपने अपने जज्बात को जानते हैं सही कि हद है आखिर कि सुसाइड बामबिंग पर एक आदमी का कि भाई कुरान तो, ये तो हराम है उस पर लड़ रही वो कि तुमने ऐसा क्यों कह दिया ये कोई इस्लाम है बताइए ये कोई इस्लाम है ये इस्लाम से इसका कुछ, कुछ भी ताल्लुक नहीं